फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो यूट्यूबर था। वो सिंगिंग करके अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता था। साथ ही इस फिल्म की सेकंड कलाकार से मिली है जिसका नाम सोफिया है और ये कपड़े बदल रही है क्योंकि उसे किसी खास जगह पर जाना है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जेसॉन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो जेसॉन और उसकी सिस्टर को स्कूल छोड़ने के लिए आए थे। तभी वहाँ सिस्टर रूबिका आती है और जेसॉन का ख्याल रखने का वादा करती है जिससे उसके पेरेंट्स थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। इसके बाद रूबिका एक नई सिस्टर के पास जाती है जिसका आज इस स्कूल में पहला दिन होता है। इस सिस्टर का नाम सोफिया होता है और ये वही लड़की है जिसे फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था। तभी सिस्टर उसे अपने स्कूल के नियम कानून समझाती है। रूबिका की नज़र सोफिया के होंठ पर जाती है। सोफिया ने लिपस्टिक लगाई हुई थी जिससे रूबिका थोड़ी नाराज होती है और कहती है कि हमारे स्कूल में लिपस्टिक या किसी भी तरह का मेकअप अलाउड नहीं है, जिससे सोफिया को उसकी लिपस्टिक मिटाना पड़ता है। इसके बाद रूबिका सोफिया को स्कूल का टूर करवाती है। रास्ते में उन्हें जेसॉन मिलता है। रूबिका सोफिया को जेसॉन से इंट्रोड्यूस कराती है लेकिन जेसॉन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और वहाँ से चला जाता है, जिससे सोफिया पूछती है कि जेसॉन थोड़ा उदास दिख रहा था। तब रूबिका बताती है कि जेसॉन ने उसके फादर की कार का नशे की हालत में एक्सीडेंट कर दिया, जिससे जेसॉन थोड़ा अपसेट रहता है। खैर, सोफिया अपने रूम में जाती है और जेसॉन के यूट्यूब वीडियो को देखने लगती है। सोफिया अपने कपड़े निकाल कर जेसॉन के वीडियो के साथ किसिंग करने लगती है, जिससे पता चलता है कि सोफिया जेसॉन को पहले से जानती थी। इसके बाद क्लास स्टार्ट होती है जहाँ जेसॉन की क्लासमेट जेसॉन के ऊपर लाइन मारती है और जेसॉन उससे बात करने लगता है। उस लड़की का नाम सारा था। तभी वहाँ सिस्टर सोफिया आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है, लेकिन जेसॉन और सारा अभी भी बात कर रहे थे, जिससे सोफिया को बुरा लगता है और सोफिया सारा को फ्रंट सीट पर आकर बैठने का बोलती है। सोफिया अब पढ़ाने लगती है। तभी जेसॉन की बहन जोया उसे बोलती है कि प्रेयर करने के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जिस पर सोफिया थोड़ा गुस्सा होती है और उस जोया को प्रेयर करने के लिए बोलती है। तभी वो लड़की प्रेयर करती है, साथ ही उसके पूरी क्लास भी प्रेयर करती है, लेकिन वो लड़की नोटिस करती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही है। क्लास खत्म होने के बाद जोया ये बात अपने भाई जेसॉन को बताती है, लेकिन जेसॉन इस पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी जेसॉन के पास सारा का मैसेज आता है तो जेसॉन सारा से मिलने के लिए चला जाता है। जेसॉन जैसे ही बाहर जाता है सोफिया उसे रोकती है और जेसॉन से पूछती है कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जेसॉन मना करता है, जिससे सोफिया को काफी अच्छा लगता है। सोफिया कहीं ना कहीं जेसॉन से प्यार करती थी। इसके बाद सोफिया रूम में आती है और कपड़े निकालकर अपने आप को आईने में देखने लगती है और अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर मिटा देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि सोफिया को लिपस्टिक लगाने से मना करने के कारण वो काफी डिप्रेस्ड थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जब जेसॉन क्लास में जा रहा था तभी सारा मिलती है। वो दोनों कुछ देर चलते चलते बात करते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर सोफिया आ जाती है और उन दोनों को डांटने लगती है और क्लास में भेज देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया को काफी गुस्सा आता है और वो अपने क्रॉस को जोर से हाथों में दबा लेती है, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि सोफिया जेसॉन को लेकर ऑब्सेस्ड है। क्लास के बाद सोफिया जेसॉन को रोकती है और बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिस पर जेसॉन चुप हो जाता है। तभी सोफिया उसे पनिश करने के लिए अपने रूम में बुलाती है। कुछ देर बाद जब जेसॉन सोफिया के रूम में जाता है तो वो देखता है कि डोर खुला हुआ है। जेसॉन अंदर झांककर देखता है तो वो देखता है कि सोफिया अपने बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगा रही होती है। सोफिया जानबूझकर डोर खुला रखती है ताकि जेसॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। जेसॉन को ठीक नहीं लगता और कुछ टाइम में वो वहाँ से चला जाता है। रात में जेसॉन को बार बार सोफिया के ख्याल आ रहे थे जो जेसॉन को सोने नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट डे सोफिया जेसॉन से मिलती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बुलाया था लेकिन तुम मेरे रूम में नहीं आए, जिस पर जेसॉन उसे भूल गया बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जेसॉन को यहाँ आए 1 वीक हो जाता है। तब वीकेंड पर जेसॉन और सोफिया को उसके पेरेंट्स लेने आए होते हैं। सोफिया का जेसॉन के बिना मन नहीं लगता, इसलिए आंटी की तबीयत का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेती है। दूसरी तरफ जेसॉन अपने डैड से कहता है कि वो 1 साल छुट्टी लेकर अपने फैशन के ऊपर काम करेगा, जिस पर उसके डैड उसे मना करते हैं और इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद जेसॉन बाहर आता है और रिलैक्स करने के लिए गाना गाने लगता है। सोफिया छुप छुप कर जेसॉन को देखती है और गाने का आनंद लेती है।
तभी सारा का कॉल आता है जिससे सोफिया को काफ़ी बुरा लगता है। सोफिया का पैर गलती से एक चीज़ पर लग जाता है और आवाज़ आ जाती है। उसी आवाज़ को सुनकर जिशान वहाँ जाने लगता है, लेकिन तभी जोई का कॉल आता है। रात में सोफिया सारा के रूम में आती है और उसकी किताब में ड्रग्स रख देती है। लेकिन जब सोफिया वहाँ से बाहर आती है तब उसे सिस्टर रूबिका मिल जाती है जो उससे कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर सोफिया बोलती है कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी है इसलिए वो यहाँ आई है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोफिया सभी से उसी किताब का पेज ओपन करवाती है जिसमें उसने ड्रग्स रखा था। तभी सारा के बुक में से ड्रग्स निकलता है और ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और सारा को सस्पेंड कर दिया जाता है। तभी सोफिया रूबिका के पास जाती है और कहती है कि अगर आपको अपने स्कूल की रेप्यूटेशन बनाए रखनी है तो आपको बॉयज़ के कमरों की भी तलाशी लेनी होगी, जिस पर रूबिका मान जाती है और बॉयज़ के कमरों की तलाशी लेने चली जाती है। जिशान के रूम की भी तलाशी ली जाती है तो जिशान के रूम से शराब मिलती है। जिशान कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे रूम में कैसे आई, दरअसल ये काम भी सोफिया का होता है। तभी जिशान कहता है कि अगर मुझे सस्पेंड किया तो मेरी लाइफ इस वजह से ख़राब हो जाएगी जो गलती मैंने की ही नहीं है। ये सुनकर सोफिया कहती है कि जिशान को इसके बदले वो काम करने के लिए दिया जाए जो स्कूल में सिस्टर किया करती है, जिस पर जिशान मान जाता है। सोफिया ने उसकी सिफारिश की थी जिस कारण से वो सोफिया का एहसान मानता है और उससे नरमी से बात करता है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सोफिया ने किस तरह सोशल मीडिया पर जिशान के गाने देखे और उसके गानों की दीवानी हो गई। इसके बाद उसने जिशान को अपना बनाने का ठान लिया। उसने सोफिया नाम की रियल सिस्टर जो यहाँ इंटरव्यू देने आ रही थी उसे मारकर दफना दिया और उसके डॉक्यूमेंट लेकर नकली सोफिया बनकर इस स्कूल में आई। अब वह जिशान के करीब आने लगती है। वह पौधे लगाते समय उसको उकसाने लगती है। वो जानबूझकर अपने कपड़ों का बटन ओपन करती है ताकि जिशान अट्रैक्ट हो और जोई ये सब नोटिस कर रही होती है और आखिरकार सारी हदों को पार करते हुए वो रात को जिशान के कमरे में घुस जाती है और मोबाइल रिकॉर्ड पर रख के जिशान को सेड्यूस करती है। यहाँ जिशान भी बहक जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह जिशान इस बात से काफ़ी दुखी था कि उसने ये क्या कर दिया और वो फादर से माफ़ी मांगने के लिए चर्च जाता है, पर वहाँ पर फादर की जगह सोफिया होती है और वो वहाँ पर भी उसे नहीं छोड़ती और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। इसी तरह एक और हफ्ता गुजर जाता है और जिशान अपने घर चला जाता है जहाँ उसे सारा का मैसेज आता है जिसमें वो उसे रात की पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। सोफिया भी उसे स्टॉक करने के लिए स्कूल से निकल रही होती है। तभी वहाँ रेबेका को किसी और स्कूल के फादर से असली सोफिया के बारे में बात करते हुए सुन लेती है जिससे उसे ये पता चलता है कि फादर सोफिया को बहुत पहले से जानता है। यह सुनते ही वह घबराकर कार की तरफ बढ़ती है। सिस्टर रेबेका के रोकने पर वह उन्हें अपनी आंटी का मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करके फिर से वहाँ से निकल जाती है। उसी रात जिशान अपने फादर से कहता है कि उसे सर ने पार्टी के लिए इन्वाइट किया है, जिस पर उसके फादर उसे वहाँ जाने से मना करते हैं और इन दोनों के बीच हमेशा की तरह बहस हो जाती है और जिशान अपने फादर के परमिशन के बिना ही सारा के घर निकल जाता है। वहीं सोफिया भी उसे फॉलो करती है। जिशान सारा के घर जाकर ड्रंक हो जाता है और सारा उसे कमरे में ले जाती है। यह दोनों जब एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो जिशान को सोफिया के साथ किया गया गुना याद आ जाता है और वह एक बियर लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं सारा देखती है कि उसकी कार पर किसी ने गाली लिखी हुई होती है। इधर जिशान को पुलिस खुलेआम बियर की बोतल के साथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ सोफिया आकर पुलिस को बताती है कि जिशान की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और वो उन्हें कन्वेंस करती है जिसके कारण पुलिस उसे जाने देती है। जिशान कहता है कि वो नशे की हालत में घर नहीं जा सकता, इसलिए सोफिया उसे एक होटल ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिशान की मॉम उसके फादर को यह समझाती है कि उन्हें जिशान को एक साल का वक्त देना चाहिए, जिस पर जिशान के फादर मान जाते हैं और उसे घर वापस लाने के लिए निकल जाते हैं। इधर जिशान को सोफिया पर शक हो जाता है कि वह हर जगह उसे फॉलो करके उसे प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए वो उसे कहता है कि उन दोनों ने आज तक जो भी किया है वो वाकई बहुत बड़ा गुनाह था और आगे वो ये सब नहीं करेंगे। सोफिया उसे उसके और जिशान के बीच वीडियो को शो करते हुए कहती है कि उन दोनों के फादर उन्हें नहीं समझते और वो दोनों एक दूसरे से मिले ही इसलिए हैं कि वह एक दूसरे के साथ रहें। जिशान को सोफिया की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह सोफिया को इधर ही छोड़कर चला जाता है, जिससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है।
जिसोन के फादर उसे ढूंढ लेते हैं और उसे कहते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं जिसोन को फोर्स किया है, जिसके लिए वो उसे सॉरी कहकर उसे एक मौका देने की बात करते हैं। सुबह जब ये दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं तो सोफिया भी वहीं होती है। सोफिया उन्हें देखकर कार स्टॉप करके जाने लगती है। तभी जोई उस कार को देख लेती है और स्कूल आकर उस कार को ढूंढ लेती है। वो नंबर के जरिए ऑनलाइन चेक करती है जिसमें वो कार सोफिया के नाम पर ही होती है, जिससे जोई को ये यकीन हो जाता है कि वो सोफिया ही थी जो उनके घर के बाहर ठहरी थी। इधर जिसोन अपने कमरे में जाता है तो सोफिया उसे बेहोश पड़ी मिलती है, जिस कारण वह घबराकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। दरअसल सोफिया यहाँ नाटक कर रही होती है, जिस पर जिसोन सोफिया पर गुस्सा होकर यह कहता है कि वो इस बारे में फादर को रिपोर्ट कर देगा। सोफिया को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिसोन से कहती है कि अगर उसने रिपोर्ट किया तो उन्हें वह वीडियो दिखा देगी जिसमें यह दोनों एंटीमेट हो रहे थे। दरअसल सोफिया ने इसी सिचुएशन के लिए वह वीडियो रिकॉर्ड किया था। अब जिसोन बुरी तरह फंस चुका है। तभी उसे जोई फोन करके सोफिया के कार के बारे में बताती है, जिस पर जिसोन उसे कहता है कि वह इस बारे में किसी को ना बताए। क्लास में जब प्रेयर चल रही होती है तो सिस्टर रेबिका देखती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही है। दरअसल वो सारा को दोबारा वापस लेकर आती है, जिससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। क्लास के बाहर सिस्टर रेबिका सोफिया को नियम कानून समझाने लगती है, जिस पर सिस्टर रेबिका उसे कहती है कि तुम पहले प्रेयर करना सीखो। एक तरफ सारा के वापस आने की खुशी में जिसोन सिंगिंग कर रहा होता है और दूसरी तरफ सोफिया का पागलपन हद से ज्यादा बढ़ जाता है। सोफिया जिसोन के प्यार में पागल हो चुकी है। इसके बाद वो सारा को नहाते समय देख लेती है और उसका सर दीवार से मारकर उसकी जान ले लेती है और सोप गिराकर इसको एक नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह दिखाती है। जोई जब नहाने के लिए जाती है तो वह सारा को मरी हुई पाकर चिल्लाने लगती है। सारा की बॉडी को देखकर जोई ये कहती है कि इतने सालों में सावर लेते समय ऐसा कभी नहीं हुआ, यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अगले दिन सारा के लिए प्रेयर करते समय जिसोन सोफिया से कहता है कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। इस पर सोफिया कहती है कि पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया है और वैसे भी यहाँ कौन गुनहगार नहीं है, सबसे बड़े गुनहगार तो तुम हो जिसने एक नन के साथ संभोग किया। सुबह सोफिया जिसोन और जोई को घर जाते समय देखती है और इस बार वह सिस्टर रेबिका को अपने आंटी की डेथ का बहाना बनाकर वहां से निकल लेती है। उसी रात जिसोन और उसकी फैमिली डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। जोई देखती है कि सोफिया वहां भी पहुंच गई है। सोफिया जिसोन के पेरेंट्स को अपना इंट्रो देती है, जिस पर उसके फादर उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। जिसोन नहीं चाहता कि वो यहाँ पर बैठे, पर उसके फादर सोफिया के बैठने का इंतजाम कर देते हैं, जिससे जिसोन अनकंफर्टेबल होने लगता है। इधर सिस्टर रेबिका सोफिया की आंटी के डेथ पर फूल भेजने के लिए उस जगह का पता लगाती है जो एड्रेस सोफिया ने दिया था, जिस पर उन्हें यह मालूम होता है कि उधर किसी की डेथ नहीं हुई और ना ही वो सोफिया का एड्रेस है, जिस पर सिस्टर रेबिका को सोफिया पर शक होने लगता है और वो सोफिया को अपने कमरे में बुलाकर ये कहती है कि जब से तुम आई हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तुम्हारे सुपरविजन में मैंने अपने बेस्ट स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया और अब तुम्हारी आंटी की डेथ का झूठ पकड़ा गया। यह कहकर वो फादर से कंप्लेन करने के लिए जाती है, जिस पर सोफिया उसे लैंप से मारकर घायल कर देती है। जोई के फोर्स करने पर जिसोन उसे पूरा सच बता देता है, जिसके बाद ये दोनों सोफिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए सोफिया का कमरा चेक करते हैं, जिस पर उन्हें असली सोफिया का लैपटॉप मिलता है और साथ ही साथ उस औरत का लैपटॉप मिलता है जो सोफिया बनकर यहाँ आई है। दरअसल इस लड़की का नाम लौरा है और जिसने जिसोन के कई सारे पिक्चर सेव किए होते हैं। यह देखकर वो समझ जाते हैं कि लौरा पूरा प्लान बनाकर यहाँ आई है। यह बात वह सिस्टर रेबिका को बताने के लिए जाते हैं, तभी उनका सामना नकली सोफिया यानी लौरा से होता है और वो जिसोन के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर यह समझ जाती है कि उसका राज खुल चुका है। वो जिसोन से अपने पागलपन का इजहार करते हुए कहती है कि तुमने जितने भी गाने गाए हैं वह सब मेरे लिए ही थे। जिसोन और जोई समझ जाते हैं कि लौरा दिमाग से बीमार है। मौका देखकर सोफिया जोई पर बत्तीदानी से वार करती है, जिस कारण गुस्से में जिसोन उसका गला दबाने लगता है। तभी वह जिसोन के पैरों के बीच मारती है, जिससे वह दर्द से गिर जाता है। वह जोई को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सिस्टर रेबिका उसका हथियार छीन लेती है और वह सिस्टर रेबिका को ओवरपावर करती है। वहीं जिसोन होश में आ जाता है
और अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और सोफिया की पीठ पर मार देता है, जिससे सोफिया की मौत हो जाती है। इसके बाद स्कूल के ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है, जिसमें जिसॉन के फादर जोई को अपनी मॉम की कार और जिसॉन को नया गिटार गिफ्ट करते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।